मनुषा वाचा कर्म नाजत सितं मया। बटन लगा रही हो, सब बटन तुम खोल के आ जाते हो, पता नहीं क्या करते हो, क्या झगड़ा करते हो क्या स्कूल में? हाँ, मारा पट्टी करते हो, तो ये बटन क्यों खुल जाते हैं? सोच रही थी कि जॉब कर लेती हूँ, तुम्हारा क्या व्यू है इसके बारे में? अरे यार मैं क्या करूँ, तुम सुबह 7:30 बजे चले जाते हो, फिर तुम 7:30 बजे चले जाते हो, फिर तुम आते हो 4 बजे, तो ये इतना लंबा टाइम मैं घर में क्या करूँ? ये तो बोलो, सपोज काम करूँ, खाना बनाऊँ, सब करने के बाद भी 3-4 घंटे में सब काम खत्म हो जाता है। 3-4 घंटे में काम खत्म नहीं होता। तुम चुप रहो, 3-4 घंटे में काम खत्म हो जाता है। अरे कितना कोई काम करेगा और हर रोज कितना काम करेगा, ये तो बताओ। मेरे बाल अच्छे लग रहे आज, सिल्की सिल्की है ना? बट आई एम रियली सीरियस बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दिस बिकॉज आई एम फीलिंग लोनली एंड टेरिबल इन द हाउस, बिकॉज सारा दिन घर में बैठ के क्या कर, पूजा पाठ कर, वो भी कर देती हूँ, वो भी अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है ना? तू क्या पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी यार टाइम नहीं कटता है, क्या करूँ फिर? देखो अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं जॉब कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा, जॉब करूँगी ना। मेरे पास 2 दिन कॉल भी आए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि उनमें से एक को हाँ बोल दूँ, थोड़ा जैसे 9 to 4 मेरा कुछ जॉब हो जाएगा तो मुझे ठीक लगेगा। फिर जब तक तुम आ जाओगे फिर मैं घर में आ जाऊंगी। अब तुमको पापा को मनाना पड़ेगा, पापा को मनाना पड़ेगा, तुमको मनाना पड़ेगा, ठीक है? पिताजी हमारे कुछ का कुछ बात नहीं सुनते हैं। तुमने तो बोला कि लॉकडाउन के बाद you are enjoying school, so you are going to school, you are meeting your friends, you have a life. You have a life na, and without friends you say that I don't feel good. So you have a life, then when you come back also, tumhare tuitions hai, sab hai, sab kuch tumhara systematic routine hai, aur mera kya hai? घंटी बजाना, झुनझुनी बजाना, और कोई काम नहीं है। घंटी बजाते रहो मंजुलिका की तरह, बदमाश मंजुलिका की तरह। तो अच्छा एक इंट्रोडक्शन मैं सोच रही थी धूप, जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे बारे में खास पता नहीं है। तो बेसिकली मैं दिल्ली बॉर्न हूँ, मेरी स्कूलिंग हाफ दिल्ली और हाफ पटना में हुई है, और उसके बाद मेरा कॉलेज यहाँ कोलकाता में हुआ है, मेरी शादी यहाँ कोलकाता में हुई है, और उसके बाद मेरी एक्चुअली हिंदी अच्छी है कंपेयर टू बंगाली, बिकॉज मेरी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी थी, तो इसीलिए मैं बंगाली होकर हिंदी में ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि आई एम मोर कम्फर्टेबल। मेरा थॉट प्रोसेस जो है, मैं बोलते हैं ना कि गाली भी हिंदी में देती हूँ और भगवान को भी हिंदी में ही कुछ मांगती हूँ, तो मेरा हिंदी बहुत नेचुरली आता है, लेकिन मैं घर में बंगला ही बोलती हूँ, और मेरे यहाँ पे मतलब बंगाली फ्रेंड्स भी हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाली और हिंदी ऐसा कुछ नहीं है, पर लाइक होता है ना कि बचपन से जो भाषा आपने बोली है तो उसमें आप ज़्यादा कम्फर्टेबल हो, लेकिन मैं बंगाली हूँ, डीप डाउन इन माई हार्ट मैं बंगाली ही हूँ। लाइक मुझे पोस्तो चाहिए, टिपिकल बंगाली खाना मुझे लंच में चाहिए, तो वो सब मेरा पूरा बंगाली पनी है,
और मेरे ब्लॉग के थ्रू मैं बंगाली कल्चर और फिर बंगला मतलब कोलकाता का कल्चर, कोलकाता को एज सच मैं प्रमोट करती हूँ। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो यहाँ पे बहुत जिसको जैसे बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय, तो सिटी ऑफ जॉय क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जॉय जॉय है। खाना ऑसम है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वॉर्म है। अभी भी यहाँ पे ना बहुत सिंपल लाइफ लीड किया जाता है, कोई शोबाजी नहीं है। अगर आप बहुत अमीर हैं, आप रास्ते में घूम रहे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि उसके पास बहुत पैसा है। वो अभी भी बहुत रूट्स से कनेक्टेड हैं और बहुत सिंपल लाइफ में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए कोलकाता बेस्ट प्लेस टू लिव, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कोलकाता के बारे में ब्लॉगिंग करना। हाँ, जिनको फिश पसंद है वो तो यहाँ पे मतलब उनका बहुत अच्छा टाइम पास होगा। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, अभी क्या है ना होटल वगैरह में मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ, कोरोना कभी पड़ता है कभी कम होता है। तो मुझे एक्चुअली सब पता है यहाँ के बारे में। मैं जब भी कोरोना कम होता है मैं निकल निकल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करती रहती हूँ और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो बेसिकली ब्लॉगिंग करने का मोटिव यही था मेरा कि मैं घर में बहुत बोर हो रही थी। तो जैसे लॉकडाउन खुल गया, लाइफ नॉर्मल हो गया, किशू स्कूल जाने लगा, तो मेरा टाइम नहीं पास होता था, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो नए दोस्त बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ आइडियाज़ लेके ब्लॉगिंग करने लगी। तो देखते ही देखते ये दिसंबर में ही तो स्टार्ट किया था मैंने, तो देखो 196 सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन मुझे और फ्रेंड्स बनाने हैं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो। मैं देखती हूँ कि बहुत लोग देखते हैं, व्यूज़ इतने अच्छे अच्छे आते हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, धीरे धीरे मैं भी अपने को मतलब और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आई एम न्यू इंटू दिस एंड और क्या बोलूँ, यही बस मेरे बारे में यही है। और मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक कुछ भी प्लान ही नहीं किया। वेयर एज मैंने इन लोगों का बर्थडे, इस बच्चे का बर्थडे और उस बुढ़े का बर्थडे मैंने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था। प्लानिंग बकायदा मैंने प्लानिंग की थी, मतलब अराउंड 7-8 days का प्लानिंग था इसके बर्थडे पे, ठीक है ना। हाँ, मतलब कौन आएगा, क्योंकि उस समय कोरोना का भी एक था, एक हमेशा डर रहता है। तो ज़्यादा गैदरिंग हम पहले सोच रहे थे, बहुत बड़ा गैदरिंग करेंगे, लेकिन फिर हम बहुत बड़ा गैदरिंग नहीं किए, हमने बहुत सोच समझ के, ताकि इसको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, इस तरह से हमने बर्थडे इसका मतलब मैंने इसका बर्थडे प्लान किया। हाँ, और संदीप का भी बर्थडे मैंने बहुत मेहनत किया, खाना बना के और सब कुछ करके, लेकिन मेरा बर्थडे आ रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ सोचा है उसके कल आ रहा है, समझ लो। एक तो गाड़ी नहीं है, दो तो जो बुक करके तुम बोलो मत। तुम्हारा और तुम्हारे पापा का गाड़ी और मतलब कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट, बस यही हो गया। बाजार गए, उठा के ले आए कुछ, ये लो भाई, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। उसके लिए ना कोई थिंकिंग नहीं चाहिए होता है, प्लानिंग नहीं चाहिए होता है, वो तो बस पैसा है जाके ले आए डर। लेकिन बर्थडे होता है जो मतलब प्लान कर रहे हैं हम, कुछ सोच रहे हैं हम। इसीलिए मैं बोलती हूँ लड़कियाँ बहुत ज़रूरी है घर में। एक लड़की होती ना तो अभी वो बैठ बैठ के मेरे लिए एक सरप्राइज कार्ड बनाती, मम्मी के लिए मैसेज लिखती। जो भी मेरी फ्रेंड्स की जो लड़कियाँ हैं ना, I just love them because I really miss कि यहाँ पे एक डॉटर होना चाहिए था जो मेरी तरह सोचती, सबके लिए सोचती, सबके लिए कार्ड बनाती, कुछ प्लान करती, कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज करती। मेरा ही बर्थडे आता है तब कोई करने वाला नहीं होता यहाँ पे। और तुम लोग खाली ये बॉयज वर्ल्ड में कहाँ मैं फंस गई यार, सिर्फ गाड़ी गाड़ी गाड़ी। दो गाड़ियां बुक करके रखे हैं दोनों एकदम सितंबर में आए। एक गाड़ी को तो पता नहीं क्यों बेचारी को बेच दिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उस गाड़ी को क्यों बेच दिया। अच्छा वाला तो गाड़ी वो रहता था, नहीं कि गाड़ी बेच उसको बेच दिया। बताओ आप, हमारे पिताश्री को ही बताओ, इतना नीचे था, इतना लो था। एक तो एक्सपोर्ट में एकदम लो थी, स्पोर्ट्स कार में तो आपका
वो लोग जितना मुझे समझ में आता है, देखो मुझे गाड़ी समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्पोर्ट्स कार तो लो ही होगा, तभी तो वो स्पीड पकड़ेगा। आई डोंट नो द कैलकुलेशन, या आई डोंट नो, बट आई नो दैट स्पोर्ट्स कार हमेशा नीचा ही होता है। तो अब पता नहीं मुझे क्या है चक्कर तुम लोगों का, ये तुम ही जानो, पर मेरा बर्थडे तो ऑन टॉप ऑफ दैट आई फील वेरी लोनली यार, सारा दिन अकेले कितना मैं क्या करूँगी, और मेरे सारे फ्रेंड्स दे आर बिजी इनटू समथिंग, आइदर दे आर इनटू सम यू नो सम जॉब और सम समथिंग और द अदर, बट लाइक आई हैव मुझे थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी इतने साल बाद, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी, फिर तुम जब क्लास वन में थे मैंने छोड़ दिया जॉब, उसके बाद मैंने आज तक जॉब नहीं किया, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको मम्मी की ज़रूरत ही नहीं, तुम इंडिपेंडेंटली सब हैंडल कर रहे हो, तो आई थिंक मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं उसके पास जाती हूँ। वही से ठीक है, ओके okay.